तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। आज का जो टॉपिक है वो आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार ये टॉपिक बना है और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मौका मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी चीज ये कि भाई मेरे अलावा बनाता भी कौन, क्योंकि शेयर चैट की वीडियोज मैं ही लगातार बनाता हूँ। तो भाई यहाँ पर एक बात तो तय है कि आप लोगों ने अब तक इतने वीडियोज पर कमेंट नहीं करे जितनी कि मेरे पर 5 से 6 दिनों में एक टॉपिक पर कमेंट आ चुके हैं। और टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है, उसके बाद आप यहां तक पहुंचे हो। वीडियो स्किप मत करना, विषय बाद में बताता भी रहूंगा, आप वीडियो स्किप करोगे तो भूल जाओगे। भाई वीडियो की स्किप की बात आई है तो यहां पे आपको बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आप स्क्रीन पर टच करके देख सकते हो, स्क्रीन पर टच करोगे तो पता चल जाएगा आपको क्या लंबी है। लेकिन हां आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये वीडियो आपने ध्यान से समझ ली, इस वीडियो को ध्यान से आपने समझा मैंने क्या बताया और आपने उस पर अप्लाई करा, तो 110% आज आपको पता चल जाएगा कि कर्मा पॉइंट्स है क्या और नया लीडरबोर्ड जो इस वक्त आप शेयर चैट पर देख रहे हो उससे इसका क्या कनेक्शन है। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर देना। आपकी बार जो लाइक का मैंने एम रखा है वो 200 लाइक का एम रखा है, यानी कि 200 लाइक मुझे चाहिए भाई एक पूरे दिन में, यानी कि 24 घंटे में 200 लाइक आप लोगों से मुझे मिलने वाले हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। बाकी आप लोगों का प्यार बना हुआ है मेरे पर, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि भाई कर्मा पॉइंट्स एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कर्मा पॉइंट्स जो हैं वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम में आ जाते हैं। आप जो भी शेयर चैट से अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, वो एक अलग है, लेकिन ये जो कर्मा पॉइंट है ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। उस इनकम को छोड़कर वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी आप कमा सकते हो। अब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है शेयर चैट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अब जैसे टिकटॉक के लोग धीरे धीरे इस पर पहुंच रहे हैं क्योंकि इस पर अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो आज के टॉपिक पर हम ये बात स्टार्ट कर ही रहे हैं भाई कर्मा पॉइंट्स को लेकर, लेकिन उससे पहले छेड़ेंगे हम लीडर बोर्ड वाली बात को। तो लीडर बोर्ड एक्चुअली है क्या, तो लीडर बोर्ड में आप देख रहे हो भाई कि आपको जहां पर आपका स्कोर दिखता था पहले, अब आपको वहां पर कुछ डॉलर्स के आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। और स्कोर के साइड में जब दिखा था आपको पेमेंट आपकी कितनी अर्न करी आपने, तो वहां पर क्या दिखा है, 0000 दिख रहा। तो एक्चुअली ये है क्या, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके यहां पे स्कोर है, स्कोर अगर आपका 50,000 हो जाता है, ध्यान से समझना, स्कोर अगर आपका 50,000 हो जाता है तो आपका स्कोर को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाउंट में, यानी कि अमाउंट आपका उस वक्त शो करने लगता है। अभी अमाउंट आपका शो नहीं कर रहा होगा, वहां पर जीरो ही दिखा रहा होगा, तो ऑब्वियसली सब लोगों का जीरो दिखा रहा है। यहाँ पर जो स्टार इस वक्त है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइव में रैंक में जो इस वक्त लीडर बोर्ड में शो कर रहे हैं, अभी इनके लिए आपको बताऊं कि अब कुछ चेंज भी हो गया है। जरूरी नहीं कि 50,000 ही आपके स्कोर्स हों तभी आपका अर्निंग उसमें शो करेगी। आपके 2,000 हों, 20,000 भी हों, मैक्सिमम 20,000 आपके होने चाहिए, 20,000 से 50,000 होने चाहिए आपके। 50,000 का मतलब होता है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, स्कोर्स को आपने अमाउंट में, अमाउंट में ऑटोमेटिकली वैसे कन्वर्ट होता है, शो भी कर जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्या वो अर्निंग है। जी हाँ, वो अर्निंग ही है आपकी। और जिनके पास 50,000 स्कोर्स नहीं हो पाते हैं उनके पास भी अर्निंग होती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग घबराए नहीं कि भाई मेरी 50,000 स्कोर नहीं है, मैंने तो भाई 10,000 ही कमाए, 20,000 ही कमाए, या फिर मैंने 8-10 ही हज़ार कमाए, लेकिन मेरे पास स्कोर है इतना ही और मेरे को अमाउंट क्या मिल रहा है। तो एक्चुअली अमाउंट आपका मिलेगा जो शेयर चैट पहले देता था, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अब उसका जो एल्गोरिथम है वो बदल गया, जो उसकी प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग थोड़ी सी बदल दी गई है लीडर बोर्ड की। समझ में आया आपको ये? तो ये आ गया लीडर बोर्ड की। अभी हम बात करेंगे कर्मा पॉइंट वाली। तो कर्मा पॉइंट के लिए मैंने थोड़ा सा अपना बनाया हुआ, भाई देखो कर्मा पॉइंट्स एक्चुअली आपको स्पेशलाइजेशन में गुजरना पड़ेगा। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने ये समझ लिया तो आई होप, मुझे लगता है कि आपने पूरी वीडियो अच्छी खासी समझ ली होगी। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आपको ऐसे 11 लोग हैं जिनको 11 वीडियोज बनानी है। स्पेशलाइजेशन का मतलब स्पेशलाइजेशन, तो स्पिरिचुअल का वर्ड आपको समझ में अगर आता है तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 11 वीडियोस आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से अलग, कुछ स्पेशल उसके अंदर होना चाहिए, ध्यान में आना, कुछ ऐसा स्पेशल आपके टॉपिक पर होना चाहिए, कुछ ऐसा स्पेशल आपके कंटेंट में होना चाहिए, कुछ ऐसा स्पेशल आपके जो आप स्क्रिप्ट कर रहे हो उसमें कुछ अलग होना चाहिए। तो ऐसी 11 वीडियोज आपकी सिलेक्ट करते हैं
आपका शेयर चैट। ऐसी 11 वीडियो सिलेक्ट करेगा आपका शेयर चैट और 11 लोगों की करेगा शेयर चैट ऐसी वीडियो। अब ध्यान से समझिएगा, 11 लोग वो कौन से होंगे? वो 11 लोग होंगे जो लोग ऑलरेडी चैंपियनशिप में आ चुके होंगे, वो नहीं जो लोग चैंपियन भी नहीं बने। योर लिमिटेड एक्सक्यूटेड ऐसा कुछ बना हुआ आता है, ठीक है, या फिर लिमिटेड 15 दिन है, ऐसा कुछ नहीं भाई। टिल 15 दिन तक इंतजार करो इसमें, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते और इनको फिलहाल जानने की जरूरत है कर्मा पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप चैंपियनशिप बनते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बाद में आप इसी वीडियो को देखने भी वाले हो, ध्यान रखना इस बात को। अब बात कर लेते हैं जो 11 लोग हैं ये चैंपियन प्रोग्राम में होने चाहिए, ठीक है। ये 11 लोग हैं जिनकी वीडियो 11 होनी चाहिए, ये भी ठीक है। ये 11 लोग हैं जिनकी वीडियो 11 है और स्पेशल है, तो ये स्पेशलाइजेशन में आ जाती है। तो यहां तक अगर आपका सब कुछ डन 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 होता जा रहा है तो आपका अगला क्या होगा? तो शेयर चैट आपकी उन 11 वीडियो को रिव्यू में ले लेता है, अंडर रिव्यू में ले लेता है और प्रोसेसिंग में डाल देता है उन वीडियोस को। कुछ पेंडिंग या फिर कुछ नहीं भी आ सकता है वहां पे लिखा हुआ। तो जब अपना शेयर चैट उसको रिव्यू करता है, आपकी सब चीजें देखता है कि क्या इसने कंटेंट के अलावा यहाँ पर स्पेशल दिखाया। यानी कि आप मानो कि आपने अगर रोज की कोई वीडियो बना रहे हो, आप एक बैकग्राउंड पे, जैसे मान लो मेरे पीछे बैकग्राउंड और मैं यहाँ पर रोज नाश्ता खा रहा हूँ, तो ये मेरी एक नॉर्मल वीडियो है जो मेरी रूटीन के हिसाब से चल रही है रोज आना। अब मैं इसमें स्पेशल क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ कुछ हाथ पैर काट लिए या फिर कुछ यहाँ पे लाली वाली लगा लिए कुछ इस तरह से लेके, और मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो का बैकग्राउंड भी खत्म, अब बाहर का बैकग्राउंड आ रहा है और उसमें मैं अकेला कर रहा था, मेरे साथ 2-3 लोग मुझे मार रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ, ये स्पेशल हो गया। या फिर कुछ ऐसा कि मैं कुछ अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, ये स्पेशल हो गया। या फिर कुछ ऐसा कि भाई आपकी नज़र में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लोग उसको उठा ही नहीं पाते, लेकिन आप समझ जाते हो कि यार ये चीज़ अगर उठ जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो कुछ स्पेशल कंटेंट में आता है। जब आपकी कुछ ऐसी वीडियोस शेयर चैट देख लेता है कि हाँ इसके बाकी वीडियोस से ये वीडियो कुछ स्पेशल है, तो वो उसको आपको क्या करता है कि आपका प्रोसेसिंग खत्म कर देता है और वो वीडियो सेलेक्ट कर ली जाती है आपकी। तो ऐसे 11 लोग जो हैं, 11 लोग 11 वीडियोस, उनकी सेलेक्ट करने के बाद जो आपका शेयर चैट है वो कुछ बोनस आपको देता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बोनस क्या है। तो एक्चुअली जब आपको शेयर चैट आपकी वीडियोस को अंडर रिव्यू करने के बाद कुछ सेलेक्ट करती है आपकी वीडियोस, और उन वीडियोस से आपको जो बोनस मिलता है वो होता है आपका कर्मा पॉइंट। दिमाग थोड़ा घुमा होगा। अगर आपका दिमाग घूम रहा है तो अब आपको जरूरत है कि इस वीडियो को लगातार 1-2 बार देखने की, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक आप लोग गलतियां कर रहे हो वो यही कर रहे हो कि भाई शेयर चैट पर ये हुआ क्या है, आखिरकार क्या हो रहा है, और हम जो कर रहे थे भाई हम तो पूरा ठप हो गए। ठप नहीं हुए हो, बहुत अच्छा है। और आप ऐसे 11 लोग हर बार कर सकते हो, ऐसी 11 वीडियोज हर बार कर सकते हो भाई, जरूरी नहीं। शेयर चैट इस बार लगभग मिलियंस लोग हैं और उन मिलियंस में से 11 लोग सेलेक्ट करता है शेयर चैट, तो जरूरी नहीं कि उसमें से आप हो, लेकिन जरूरी है कि आप हो। दोनों ही चीज आपको समझनी है, तो मेहनत आपको करनी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाता है भाई। जैसे क्वेश्चन मार्क जैसे क्या है कि कर्मा पॉइंट्स जितने मिलते हैं उसका क्या तोड़ होता है, या फिर वो कर्मा पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स को हम कैसे अपने पास ले सकते हैं, या फिर वो कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊं भाई, जैसे मान लो कि आपकी जो वीडियोस थी जो स्पेशलाइजेशन में हटने के बाद आफ्टर वॉचिंग आफ्टर अंडर प्रोसेस आपकी सिलेक्ट हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ बोनस मिलता है। बोनस मिलने के जो पॉइंट्स होते हैं, जो कर्मा पॉइंट्स आपको मिलते हैं, अगर मानो आपको 5,000 कर्मा पॉइंट्स मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कर्मा पॉइंट जो आपको मिलते हैं वो 500 से लेके 1,000, 2,000, 20,000, 10,000, 15, 20, 40, 50, 60, 1,00,000 तक कर्मा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो जैसे मानो अगर आपके 5,000 कर्मा पॉइंट्स आपको मिले शेयर चैट की तरफ से बोनस के रूप में, तो आपकी जो इनकम होती है वो 5,000 पॉइंट्स की लगभग होती है 50 रुपये। अभी बहुत आसान बात है कि जब आपकी 50 रुपये की एक वीडियो है तो 11 वीडियो आप ऑटोमेटिकली कर लो, 500 रुपये की आपकी हो, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपकी 500 रुपये। अब दूसरी चीज आती है, मान लो आपके जो कर्मा पॉइंट्स हैं वो अच्छी वीडियो आपकी लगी शेयर चैट वालों को, कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी, हो सकता है आपको 10,000 कर्मा पॉइंट्स मिले। अब अगर 10,000 कर्मा पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके 100 रुपये, जो आपकी इनकम बढ़ती है कर्मा पॉइंट्स को कन्वर्ट करके 100 रुपये आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर यही कर्मा पॉइंट्स आपके 10,000 हो जाए तो 10,000 पे आपकी जो कर्मा पॉइंट्स में रेवेन्यू अगर निकल के देखें तो लगभग लगभग आपके 1,000 रुपये हो जाते हैं।
थोड़ा सा और बढ़ते हैं यहाँ पर, कुछ टिपिकली अलग आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आपके जैसे मान लो आपके कर्मा पॉइंट्स मिले हैं आपको टोटल मिला के 16,500 अगर आपके कर्मा पॉइंट्स हैं, तो आपकी जो अर्निंग है अब यहाँ पे अर्निंग आपकी 165 रुपए यहाँ पे होगी। अब अगर 165 को मैं इनटू 10 कर दूं तो कितना होगा, लगभग 1 से 1200 रुपए। तो 1000 रुपए अगर आप कमा रहे हो मंथली और आपकी अर्निंग अलग आ ही रही है तो हो क्या रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, कर्मा पॉइंट्स को लेके, स्पेशलाइजेशन को लेकर, लीडर बोर्ड को लेकर, स्कोर्स को लेकर, पॉइंट्स को लेकर, बोनस को लेकर, तो भाई वीडियो को अभी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अलावा मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं लाने वाला हूँ जो आपको ऐसा कुछ समझाओ। आप मुझे कमेंट्स भी करोगे तब भी उसका रिप्लाई आपको हो सकता है, मुश्किल मिले, क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली अब जाने वाला हूँ। भाई यहाँ पर कर्मा पॉइंट्स को एक चीज तरीके से और यहाँ पे देखेंगे, कुछ कमेंट्स आपके मैं पढ़ लेता हूँ। अब चलो कमेंट्स पे आ जाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर जो कमेंट्स सबसे ज्यादा हुए हैं, सर कर्मा पॉइंट्स जो है क्या शेयर चैट इनकम से अलग है? तो भाई साहब बिल्कुल यस, कर्मा पॉइंट्स जो है वो आपकी शेयर चैट इनकम से अलग है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि भाई कर्मा पॉइंट्स जो है वो आपकी इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर कर्मा पॉइंट्स मिल रहे हैं? तो भाई ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको कर्मा पॉइंट मिल रहे हैं तो कर्मा पॉइंट्स मीन्स के एक्स्ट्रा इनकम है आपकी, ठीक है। आपकी जो अर्निंग हो रही है शेयर चैट से वो तो होगी ही होगी, लीडर बोर्ड में आपका नाम आएगा, सब कुछ होगा, आपको अर्निंग भी पेटीएम के थ्रू या पेमेंट अर्निंग आपको बैंक के थ्रू मिलेगी, मैसेज आएगा उसका, वो सब है। लेकिन कर्मा पॉइंट स्पेशलाइजेशन ये जितना भी नया वो सिस्टम है ये सब एक्स्ट्रा इनकम में आ जाता है। तो आपको अर्निंग भी मिलेगी अगर आप कर्मा पॉइंट कमा रहे हो, तो वो भी आपको मिलेगी, दोनों चीज आपको मिलेगी। तीसरा आपको आ जाता है, सर अगर हम चैंपियन प्रोग्राम में नहीं भाग ले पाए हैं, अभी तक चैंपियन नहीं बने, तो हम कर्मा पॉइंट्स ले सकते हैं या नहीं? तो भाई देखो इसके लिए मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया, अगर आप चैंपियन बन चुके हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशलाइजेशन वीडियोस के अंदर, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगले कमेंट्स पे आते हैं। तो भाई अगला कमेंट्स हमारे पास है, सर शेयर चैट पे जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ और टिप्स बताओ कि वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखो शेयर चैट पे जो लोग अर्निंग कर रहे हो उनके लिए तो इससे बड़ा ऑफर कोई नहीं है, क्योंकि थोड़ा सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हर बार कोई ना कोई नया रूल होता है तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तो उसी हिसाब से मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी। शेयर चैट पर अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो कर्मा पॉइंट्स आप अप्लाई करिए, स्पेशलाइजेशन में आप वीडियोज डालो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप अपनी वीडियोज को कैरी ऑन रखो, बनाओ, ठीक है, वो भी समझ में आता है। यहाँ पे एक कमेंट लास्ट और पढ़ लेते हैं, वो कमेंट ये है कि सर आप अपना नाम क्यों नहीं बताते? भाई देखो मैं अपना नाम इसलिए नहीं बताता कि मैंने हर चीज एक टाइम के लिए सोच रखी है, जब तक मुझे मेरा टाइम मिलेगा तब तक मैं उस चीज को अच्छी बनाऊंगा। अभी तक मेरे पास लगभग 2,500 की फैमिली हो गई है, यानी कि 2,500 सब्सक्राइबर मेरे पास हो चुके हैं, लेकिन मैंने हाइड कर रखे हैं। अब मैं उसको खोलूंगा जब मेरा कुछ हो जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट नोटिस आप तक पहुंचाना था मेरा ये। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई पहले तो लाइक करते हैं, 200 लाइक्स इस बार चाहिए, यानी कि मैंने बोला है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो भाई वीडियो को लाइक करते हैं। और दूसरी चीज ये भाई कि आप सभी भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा बहनों चैनल सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लो अगर आप देखना चाहते हो शेयर चैट की ऐसी ही वीडियोस। आज के लिए बस इतना ही, बाय।